हमारे शरीर का उद्धार, ये शरीर का उद्धार उस समय होगा जब प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा। और जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएंगे तो वे मरे हुए शरीर को जिंदा करेंगे, और जीवित व्यक्ति जो मरने की कगार में है या बूढ़ा होकर के नष्ट हो जाएगा उसको कभी नहीं मरने वाले देह में रूपांतरित कर देंगे, वो हमारा तीसरा छुटकारा होगा। अब उद्धार निकट है। यहां पर फाइनल डेस्टिनी ये है कि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार, यहां बात कहने के टाइम पर प्रभु उन विश्वासियों को कह रहे हैं कि तुम्हारी नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। तुमने लंबा समय विश्वास किया है, लंबे समय से मेरे पीछे चलते रहे हो, परंतु मेरे पीछे चलने का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि मैं उस उद्धार को जो मेरे दूसरे आगमन के समय तुम्हें महिमा की देह के रूप में दिया जाएगा, उस उद्धार की सत्यता को अपने लिए ले लेने के लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ चुकी है। हाँ, और हमारे शरीर का उद्धार अर्थात महिमा की देह की प्राप्ति, जहां हम महिमा की देह पहनकर अपने प्रभु के साथ हमेशा हमेशा के लिए अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे, उस वाले साम्राज्य में प्रवेश करने से पहले हमारे मन का उद्धार जरूरी है। ये जो मन का उद्धार है, द सेकंड साल्वेशन, वो दोनों तरफ प्रभाव डालता है। एक तो मृत्यु के बाद वाले जीवन में भी प्रभाव डालता है और मृत्यु के पहले वाले जीवन में भी प्रभाव डालता है। जरा देखें हमारे प्रभु की बुलाहट। बाइबल हमें बताती है, पहला पत्रस की किताब और उसका दूसरा अध्याय, फर्स्ट पीटर चैप्टर 2:9, वहां लिखा है, पर अब तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए जिसने तुम्हें अंधकार में से अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुणों को प्रकट करो। अंधकार में से अद्भुत ज्योति में बुलाया है, अंधकार में से अद्भुत ज्योति में बुलाया है। और जब हम अंधकार में से अद्भुत ज्योति में आते हैं तो उसके गुणों को प्रकट करने की जवाबदारी यहाँ हमारी है। यहाँ फिर वापस यदि हम आ जाएं तो लिखा हुआ है, रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को तज कर ज्योति के हथियार बांध लें। बार बार अंधकार के कामों से छुटकारे की कहानी सामने आती है। पत्रस के इस किताब में भी दूसरे अध्याय में, पहला पत्रस 2:9 में, कि उसने अद्भुत ज्योति में बुलाया है। यह हमारी बुलाहट है। देखिए, चंगाई कोई बड़ी महान चीज नहीं है, हैं? गरीबी से छुटकारा कोई बड़ी महान चीज नहीं है, परंतु जो मन की सिद्धता है वो मृत्यु के पहले और मृत्यु के बाद दोनों जीवन की ओर इशारा करती है। यदि हमें परमेश्वर के गुणों को अपने जीवन में आता हुआ देख लिया तो मृत्यु के बाद वाले जीवन में, जहां लिखा है तुम्हारे देह का छुटकारा निकट है, वह भी कन्फर्म हो जाता है। और साथ ही साथ है मन के उद्धार के कारण शरीर में, चाहे चंगाई से जुड़ी बातें हों, चाहे धन से जुड़ी बातें हों, चाहे अपने जीवन में जो भी आवश्यकताएं हैं
उन आवश्यकताओं से जुड़ी बातें हों उस पर भी परमेश्वर का हस्तक्षेप नजर आता है। जरा देखिएगा, यदि मैं अंधकार में से बुला करके ज्योति में बुलाया गया हूं और उसके गुणों को प्रकट कर रहा हूं तो क्या होगा? उसके गुण प्रकट करने से परमेश्वर को हमारे साथ चलने में आराम महसूस होगा। ही फील कंफर्टेबल टू वॉक विथ अस व्हेन वी हैव द ट्रांसफॉर्मेशन। जब हमारे जीवन में रूपांतर होगा, जब हम अपने काम काज में सुलझे हुए होंगे, तो परमेश्वर भी हमारे लिए साथ चलने में आसानी महसूस करेगा। समझ में आ गई बात? सो यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात है वो बात ये है कि यदि प्रभु हमारे साथ चल रहे हैं तो क्या होगा? जरा देखिएगा, जिस प्रतिशत में आप परमेश्वर के गुणों को प्रकट करेंगे उसी प्रतिशत में परमेश्वर की मौजूदगी आपके साथ होगी। और जिस प्रतिशत में परमेश्वर आपके साथ होंगे उसी प्रतिशत में अंधकार की सत्ता का हस्तक्षेप जो आपके जीवन में हुआ करता है उसमें रिलैक्सनेस मिलेगी।